हेलो साथियों, स्टडी पॉइंट 9 पे आपका हार्दिक स्वागत। हम लेके आए हैं बीएसटीसी और पीटीटी के स्पेशल बेंच की तिरंगा सीरीज की आज तीसरा एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के उससे चर्चा करेंगे। इसके साथ हमारे चैनल में राजस्थान जीके के साथ साथ कौन कौन सी क्लासे होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एसएससी में कौन कौन सी पोस्ट है देख लो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीएजीएल, सीपीओ, और रेलवे में ग्रुप डी एनटीपीसी, आरपीएफ, असम राइफल, दिल्ली पुलिस और अन्य सभी राज्यों के एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लासे हमारे चैनल पर होती है। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्द। हम चर्चा करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है। तो पाली जिले की सीमा से कौन कौन से जिले की नहीं लगती है साथियों, पाली जिले की देख लो, बाड़मेर की लगती है, उदयपुर की नहीं लगती है, देखो भीलवाड़ा की लगती है, राजसमंद की लगती है। पाली जिले के साथ 8 जिलों की सीमा लगती है राजस्थान के। 8 जिले कौन कौन से है, एक भीलवाड़ा आ गया आपके सामने, बाड़मेर आ गया, राजसमंद आ गया, नागौर, अजमेर, और इधर आ गए आपके जालौर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है। जैसे देखो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही। तो मेसा का पठार की बात करते हैं इनमें से। मेसा का पठार कौन कौन सा है, चित्तौड़गढ़ में है मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, जिसके ऊपर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। मेसा पठार के ऊपर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। और राजसमंद में कौन सा पठार है साथियों, राजसमंद की गोगुंदा, वो बोरट का पठार की बात करते हैं। गोगुंदा और कुंभलगढ़ तहसील है, गोगुंदा तहसील उदयपुर की, इन दोनों के बीच बोरट का पठार है। और उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ी है उससे गिरवा कहते हैं। और सिरोही में कौन सा पठार है सबसे बड़ा, जैसे हम बात करते हैं सिरोही में सबसे बड़ा पठार आबू का पठार है, और दूसरे नंबर सिरोही के महीने जो उड़िया का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है। वृहद सीमा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में, कौन से भाग में। पहले तो बात करते हैं साथियों वृहद सीमा भ्रंश कहते किसे है। वृहद सीमा भ्रंश जैसे दो पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है, जैसे हमारे राजस्थान में एक तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान में प्रवेश करके निकलती है, और इधर आती है जैसे दक्षिण पूर्व में विद्यन कगार है। विद्यन कगार की भी हमारे राजस्थान में कुछ हिस्सा है, जैसे बूंदी जिला, करौली जिला। तो यहाँ पे करौली और बूंदी में वृहद सीमा भ्रंश का निर्माण करती है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपके दो नंबर आंसर, दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, वह हैं कौन सा, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर, जोधपुर। अब देशांतर रेखाएं की बात करते हैं साथियों। देशांतर रेखाएं 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में चलती है देशांतर रेखाएं बात करते हैं। तो राजस्थान में देशांतर रेखाएं, राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं जैसे, तो 68.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान के देशांतरीय विस्तार है। तो इनमें 70 डिग्री कौन से जिले में आता है साथियों, जैसलमेर जिले में। 70 डिग्री लगभग जैसलमेर जिले में पूरा, ये एकमात्र देशांतर है जो जैसलमेर से गुजरता है, केवल एक जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है, कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ साझा करता है। बात करते हैं कोटा, जयपुर, अजमेर, बाड़मेर। तो पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती जिले हमारे राजस्थान के 4 जिले हैं ऐसे जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो गंगानगर की सीमा जैसे हिंदू मलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक जितनी भी सीमा लगती है ये रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, 4 जिलों की सीमा। और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है राजस्थान में, तो 1070 किलोमीटर। जैसे इसमें बात करते हैं तो बाड़मेर जिला आएगा इसका आंसर। और बाड़मेर की सीमा कितनी लगती है ये बात करते हैं राजस्थान के साथ, मतलब राजस्थान की पाकिस्तान के साथ। तो बाड़मेर की कितनी सीमा लगती है साथियों, 228 किलोमीटर। और जैसलमेर की 401 किलोमीटर।
और श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर और सबसे कम बीकानेर की सीमा लगती है 180 किलोमीटर 168 किलोमीटर सॉरी सर 168 किलोमीटर 168। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? दक्षिण अरावली की बात करते हैं, दक्षिण अरावली में कौन सी चोटी या श्रृंखला स्थित है? तो नागपाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़। साथियों नागपाड़ की बात करते हैं, नागपाड़ हमारे मध्य अरावली में स्थित है, अजमेर जिले में। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ सीकर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में, जिसकी ऊंचाई है 1055, नागपाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर। और तारागढ़, तारागढ़ भी हमारे अजमेर में स्थित है। और आगे बात करते हैं अचलगढ़, अचलगढ़ है जो सिरोही में है, तो सिरोही में, सिरोही जिला राजस्थान के दक्षिण में पड़ता है, तो यह इसका उत्तर होगा हमारे 4 नंबर ऑप्शन अचलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के तहत आता है? तो राजस्थान का कुल भौगोलिक प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश 79%, 71%, 79%, 61%। साथ ही बात करते हैं राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल की, भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान के 4 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हड़ौती का पठार। तो इसकी बात करते हैं, जैसे हड़ौती का पठार, हड़ौती का पठार का क्षेत्रफल राजस्थान में कितना है? लगभग 7% है। अरावली का कितना है? 9% है, 9% अरावली का क्षेत्रफल है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 23% है, 23%। तो इसमें बचता है वापस आप हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय जो 61% लगभग है, 61%। और ये दो तिहाई हिस्सा राजस्थान के क्षेत्रफल घेरता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? तो कौन सी रेखा दक्षिण भाग से गुजरती है? प्रधान मध्यान रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो हम बात करते हैं प्रधान मध्यान रेखा, प्रधान मध्यान रेखा किसे कहते हैं? तो 0° देशांतर, 0° देशांतर को प्रधान मध्यान रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा या विश्व ये कहते हैं। तो इसमें प्रधान मध्यान रेखा तो आएगा नहीं। और कर्क रेखा आपको पता है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है साथियों? 26 किलोमीटर। तो राजस्थान से होकर गुजरती है, इसमें पूछा राजस्थान के दक्षिण भाग से, कर्क रेखा इसका आंसर आएगा, कर्क रेखा जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ अवस्थित है, झालावाड़ कौन से, देखो इसमें पठार की बात कर रहे हैं, झालावाड़ अवस्थित है भोरट के पठार पे, बद्दे माई मैदान में, हाड़ौती के पठार पे, चंबल बेसिन में। तो झालावाड़ कौन से पठार में स्थित है साथियों? भोरट का पठार बताया मैंने आपको, कुंभलगढ़ और गोगुंदा तहसीलों के बीच, और मध्य माई बेसिन भी है आपके, ये तो बांसवाड़ा में आ गया, तो चंबल बेसिन तो ये अलग आ गया, जैसे सवाई माधोपुर करौली वाला वो हिस्सा, ये हड़ौती के पठार पर स्थित है झालावाड़। इसका उत्तर होगा 3 नंबर आंसर। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? थार मरुस्थल की किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो बात करते हैं साथियों थार मरुस्थल की कम ऊंचाई मतलब समुद्र तल की ऊंचाई भारत में कहां से मापी जाती है? तो वो मापी जाती है आपके केरल से, केरल के मालाबार तट से मापी जाती है, जैसे उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। तो थार मरुस्थल के समुद्र तल से राजस्थान में सबसे कम ऊंचाई की बात करते हैं, तो सबसे कम ऊंचाई थार मरुस्थल की इसमें आ जाएगा आपके उत्तर पश्चिमी भाग है जो थार मरुस्थल के समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में रियासतें थी, स्वतंत्रता से पूर्व की बात करते हैं साथियों, राजस्थान में रियासतें कितनी थी? तो 19 रियासतें राजस्थान में, जैसे और 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, जिसपे अंग्रेजों का अधिकार रहता था। और 3 ठिकाने थे, लावा, नीमराणा, कुशलगढ़। नीमराणा है जो हमारे अलवर जिले में, और लावा पहले जयपुर जिले में था लेकिन वर्तमान में टोंक जिले में है, और कुशलगढ़ जो सबसे बड़ा ठिकाना है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी जैसे मोर, तोता, गोडावण, नीलगाय कौन सा साथियों? जैसे राजस्थान का राज्य पक्षी सबको पता है आपको, ये तो बेसिक सा सवाल है, गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? तो 1981 में गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया था,
और चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? पहला परमाणु विस्फोट पोखरण जैसलमेर में, फलोदी जोधपुर में, कोलायत बीकानेर में, बालाथल उदयपुर में। कहाँ किया गया है? तो पहला परमाणु परीक्षण भारत में पोखरण जैसलमेर में किया गया है, इसका आंसर होगा साथियों। और कब किया गया? तो 1974 में, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में। और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया, जो भी पोखरण में किया गया यह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? डांग क्षेत्र आपको पता है साथियों, जो डांग क्षेत्र चंबल नदी के चंबल बेसिन में आता है वह डांग क्षेत्र। चंबल बेसिन के जिले कौन कौन से है? देखो इसमें टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर, जयपुर अजमेर। इसमें देखो ऑप्शन काटो, जयपुर अजमेर तो होगा नहीं, बाड़मेर जैसलमेर ये राजस्थान के पश्चिम भाग में, ये भी नहीं होगा। टोंक और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा तो राजस्थान के लगभग दक्षिण भाग में आ गया, तो ये भी नहीं होगा। चंबल बेसिन में देखो करौली और धौलपुर, ये होगा। करौली को कहते हैं डांग का राजा, डांग का राजा, डांग की रानी कहते हैं, सॉरी साथियों, करौली को डांग की रानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लिंबाराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? लिंबाराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर देखो, हॉकी, कुश्ती, भारोत्तोलन, तीरंदाजी। लिंबाराम किस से जुड़े हुए हैं? तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? वे हैं, अभी बताया मैंने आपको, किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है? भीलवाड़ा, पाली, नागौर, अजमेर। तो सर्वाधिक सीमा 8 जिलों से करती है पाली की सीमा, और उसके बाद नागौर की 7 जिलों से, उसके बाद अजमेर की, इसमें देखो दोनों ही है, जैसे अजमेर की आएगा उसके बाद, और बाद में भीलवाड़ा का आएगा। तो एक नंबर 8 जिलों से पाली की सीमा स्पर्श करती है, 7 जिलों से नागौर की, और अजमेर और भीलवाड़ा के दोनों समान है, तो इसमें अजमेर मानते हैं। इसका उत्तर होगा हमारे पाली, 2 नंबर उत्तर। थार भूमि, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बात करते हैं साथियों थार मरुभूमि, थार मरुभूमि में गोडवाड, उदयपुर, मेवाड़, जोधपुर। तो थार मरुभूमि के अंतर्गत कौन सा आता है? मेवाड़ तो आएगा नहीं, ये तो अलग राज्य हो गया, उदयपुर भी नहीं आएगा, और गोडवाड़ इतना बड़ा है नहीं, तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा आपके? जोधपुर। नेक्स्ट, चिड़ावा के गांधी की बात करते हैं साथियों। चिड़ावा के गांधी किसे कहते हैं? सेठ घनश्याम दास बिड़ला, सरदार हरलाल सिंह, मास्टर प्यारेलाल, या इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल। क्या होगा इसका आंसर? चिड़ावा के गांधी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयोग किया गया था? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इस भूभाग के लिए क्या नाम दिया था? तो इसका उत्तर देखो, राजपुताना, रायथान, राजस्थान, या नन ऑफ दीज। क्या लिया गया? इसकी पुस्तक थी एक, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक, उसमें कर्नल जेम्स टोड ने रायथान नाम लिया था कर्नल जेम्स टोड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? वाल्मीकि ने अपनी रचनाओं में राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया? मरुप्रदेश, रायथान, राजस्थान द्वितीय, मरुकांतार। तो वाल्मीकि ने क्या नाम दिया साथियों? मरुकांतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है? धौलपुर के प्राचीन समय में नाम की बात करते हैं, श्रीमाल, कोठी, धवलपुर, या उपयुक्त सभी। तो देखो धौलपुर को किस नाम से? श्रीमाल तो कहते हैं भीनमाल जालौर को, प्राचीन नाम श्रीमाल था, और कोठी है, इसका आंसर होगा कोठी, धौलपुर। धौलपुर को प्राचीन समय में कोठी नाम से जाना जाता है। जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? जैसलमेर का बात करते हैं उपनाम, सूर्य नगरी, श्रवण नगरी, राजस्थान का गौरव, या मरु नगरी। इसका आपके देखो सूर्य नगरी की बात करते हैं तो जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लगभग इसमें 300 दिन सूर्य ताप होता है जोधपुर में, सर्वाधिक ताप वाला, मतलब सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना है जोधपुर में, इसलिए उसे सूर्य नगरी नाम दिया गया। और राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं साथियों? खेजड़ी को भी कहते हैं राजस्थान के गौरव, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो मेसा के पठार पर स्थित है उसी को भी राजस्थान का गौरव कहते हैं, तो यह भी नहीं होगा। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर आंसर होगा।
सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से पहचाना जाता है? सांचौर को किस क्षेत्र के, सांचौर क्षेत्र की बात करते हैं साथियों, ये है कहाँ? पहले बात राजस्थान के जालौर जिले में सांचौर क्षेत्र, और सांचौर राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का भुवनेश्वर। तो राजस्थान के कश्मीर की बात करते हैं, राजस्थान का उदयपुर जिला, जो कश्मीर के जैसे जिला जिले हैं उदयपुर जिले में, तो उसे राजस्थान का कश्मीर तो उदयपुर जिले को बोलेंगे। और राजस्थान का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की बात करते हैं साथियों, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर जिले को कहते हैं। और राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर, भुवनेश्वर आपको पता है कहाँ है? उड़ीसा में। और यहाँ राजस्थान में कहाँ है? ओसिया, ओसिया में राजस्थान, ओसिया जोधपुर, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब सांचौर क्षेत्र जालौर में स्थित है, उसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर, इसमें देखो पहला ऑप्शन घोमट, थली, माल, बोरट। बोरट तो आपको बताया गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य। माल ये तो, माल तो ये अलग आ गया जैसे, और थली, थली है जो बीकानेर में, थली और बोमट, बोमट क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। इसका ध्यान रखना साथियों, बोमट और बोरट में, बोरट तो आ जाता है अपने गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच, और बोमट है जो ये डूंगरपुर पूर्व सिरोही उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय क्षेत्र, इसका उत्तर होगा आपके एक नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोह पुरुष माने जाते हैं, राजस्थान के लोह पुरुष मोहनलाल सुखाड़िया, माणिकलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास, जय नारायण व्यास। देखो तो मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया तो है नहीं, और जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास को लक्कड़ में पकड़ के नाम से जाना जाता है, और ये प्रथम निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री है जय नारायण व्यास। मोहनलाल सुखाड़िया ये अपने 1 नवंबर को मुख्यमंत्री बने थे, 1 नवंबर 1956 सातवें चरण जब पूरा हो गया एकीकरण का। तो और माणिकलाल वर्मा ये तो आपको पता ही है, उदयपुर के थे, बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने। दामोदर लाल व्यास, इसे राजस्थान के लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और भारत में पूछे, भारत के संदर्भ में सीधा, तो इसमें आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के संदर्भ में पूछे लोह पुरुष। तो नेक्स्ट साथियों, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, आपका साथ ही हमारी मेहनत है। सभी का पीटीटी और बीएसटीसी में चयन हो, और अपने टीचर बनने का सपना पूरा करें अपने माता पिता परिवार का। और मैं यही आशा करता हूं कि इस सृष्टि की सारी खुशियां आपके और आपको परिवार को मिले, और हम इसी जोश के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।